गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज अपन बात करते हैं बायोलॉजी में, और बायोलॉजी के अंदर आप जो अभी जो यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम का मैंने बनाया था, उसके बाद इंग्लिश मीडियम का है। तो आज जो अपन इसमें बायोलॉजी के अंदर जो अपन जो कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी के अंदर अपना जो आज का टॉपिक है या जो यूनिट है, सबसे पहले तो जो यूनिट है वो है अपनी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। ये चैप्टर की बात करें तो जो चैप्टर है वो चैप्टर इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर अपना वो कौन सा आएगा, पांचवा चैप्टर है, ठीक है आपके बुक में। चैप्टर कौन सा, पांचवा है। और चैप्टर का नाम क्या है, अपने चैप्टर का जो बात करें तो चैप्टर का जो नाम है वो है प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन, तो प्लांट वाटर रिलेशन की बात करें बच्चों, है ना। तो प्लांट वाटर रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले अपन को वाटर के बारे में भी जानना जरूरी है, पानी क्या है और प्लांट और वाटर में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बच्चों वैसे अपन बात करें कि तो वाटर की बात करें तो वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, जो पुराण है, इंडियंस जो पुराण से, जो भारतीय पुराण से या माइथोलॉजी है, इंडियन जो माइथोलॉजी है उसमें से क्या है, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फाइव फंडामेंटल जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द एलिमेंट्स है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं तो जो पांच महाभूत है, जैसे हिंदी में बात करें पंच महाभूत जिनको बोलते हैं, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइव फंडामेंटल एलिमेंट, ठीक है। वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, वन ऑफ फाइव फंडामेंटल एलिमेंट, ठीक है, पंच महाभूतों में से एक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये, है ना, पंच महाभूतों में से एक है वाटर। क्या है, पंच महाभूतों में से एक है। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं, वायु होती है, एयर, अग्नि होती है, फायर, ठीक है, और आकाश होता है, ठीक है, और पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, और नेक्स्ट जो अपना है वाटर होता है। पंच महाभूत, पंच महाभूतों में से एक ये होता है, पंच महाभूतों में से एक वाटर की बात करें। उसके बाद जो नेक्स्ट में बात जो बताने जा रहा हूँ आपको बच्चों, ध्यान देना कि वाटर है जो ये एक मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है किसका, मेजर कंपोनेंट है वाटर की बात कर रहा हूँ, तो नेम्स है किसका, मेजर कंपोनेंट्स है सेल का, किसका मेजर कंपोनेंट है, सेल का मेजर कंपोनेंट है। और सेल के अंदर क्या करता है, इट्स प्रोवाइड मीडियम, कौन, वाटर, इट्स प्रोवाइड मीडियम फॉर ऑल द एक्टिविटी। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए क्या करता है ये, कौन, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए वाटर क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। जो भी केमिकल्स रिएक्शंस होती है उनके लिए क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी केमिकल्स रिएक्शंस होती है उनके लिए क्या करता है, जो भी सेल्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है हेल्ड इन विद इन द सेल्स है, तो वाटर इज प्रोवाइड द मीडियम, या वाटर इज एक्ट एज ए मीडियम फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी हेल्ड विद इन द सेल्स, ठीक है। तो ये क्या एक्टिविटी के लिए क्या करेगा, इस प्रोवाइड मीडियम होता है, ये क्या करेगा, ये मीडियम प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वाटर। तो क्या होता है कि वाटर की इस बात करें तो वाटर एक यूनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब जैसे वाटर की बात हो, सेल का मेजर कंपोनेंट्स है, ठीक है, और इसके मीडियम प्रदान करता है, जितनी भी जो अंदर को जो एक्टिविटी होती है उनके लिए क्या करता है, मीडियम प्रदान करता है। अब बात करें देखो कि वाटर है तो वाटर क्या होता है, एक यूनिक कंपाउंड है, यूनिक कंपाउंड है ना, यूनिक कंपाउंड है वाटर। क्या है कि
यूनिक कंपाउंड है। यूनिक कंपाउंड क्यों हुआ है? यूनिक कंपाउंड क्या है? इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, इसके खुद के क्या है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कौन कौन से है वाटर के? देखो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करें तो वाटर के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से है? देखो कि इसकी क्या होती है, पोलर एक्टिविटी होती है ना। इसकी बात करें तो वाटर की क्या होते हैं, पोलर एक्टिविटी होती है। मान लो एक नंबर का आपको क्वेश्चन आ जाए, बताए वाटर की स्पेसिफिक क्वालिटीज लिखिए, तो क्या पोलर एक्टिविटी होती है, पोलर होता है नेचर में, ठीक है। दूसरा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल क्यों होता है, पीएच कितनी होती है इसकी, 7 होती है, ठीक है। पीएच कितनी होती है, 7 होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है, देखो इस पे वाटर में आपने देखा होगा इस प्रकार से, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाई कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स पाया जाता है, ठीक है। हाई एडेसिव और कोहेसिव फोर्स पाया जाता है। एडेसिव और कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि जब फोर्स डेवलप विथ इन द मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे अपन बात करें जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये वाटर के ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, दिस इज द वाटर ड्रॉप, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है दिस इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। और जो वाटर और किसी सरफेस के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल एंड सरफेस के बीच में, देखो ये जो दिस इज द एडेसिव फोर्स, दिस इज द एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स यहाँ पे कौन सा होगा, जो वाटर के कोहेसिव फोर्स, यहाँ पे कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स, दिस इज द एडेसिव फोर्स। मतलब क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स, एंड द बॉन्ड या फोर्स डेवलप विथ इन द या बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनी सरफेस दैट इज कॉल्ड द एडेसिव फोर्स। तो ये भी इसमें क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर की जो ड्रॉप होती है गोल हो जाती है, इस प्रकार से अपने पड़ा होता है ना, इसमें सरफेस टेंशन का भी रोल होता है। इसके बाद इसमें क्या होती है, हाई डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, ये भी होगी। इसके बाद और जो इसके कैरेक्टर्स पढ़े तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स है ना, इसके बाद और जो कैरेक्टर्स पढ़े 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी इसकी क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और क्या होती है, टेम्परेचर की लिमिट पास हो गया है, इट्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेज, 8 3 स्टेज, 3 स्टेज कौन कौन सी है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, 8 लिमिट रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, लिमिट रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या मतलब हुआ इसका, कि एक टेम्परेचर की जो लिमिट होती है जैसे, तो उस पर तीनों अवस्था में ये काम करता है। तीनों अवस्थाएं कौन सी होती है ना, स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स की बात कर, तीनों अवस्था में ये जो होता है ये पाया जाता है। तीनों अवस्था में कैसे, कि जैसे टेम्परेचर की लिमिट की बात करें तो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड बर्फ बन जाएगी है ना, और जो नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे इट्स कन्वर्टेड इन द वेपर दैट इज कॉल्ड द गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अपन बात करें कि ये जो टेम्परेचर की जो अपन परास होती है उस पर क्या होता है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, 3 स्टेज में एग्जिस्ट करता है, तीनों स्टेज में सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस होती है उसमें ये एग्जिस्ट करता है। फिर इसका और जो नेक्स्ट जो अपन पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक जो कॉन्स्टेंट होता है वो भी इसका होता है ना, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक जो कॉन्स्टेंट होता है वो भी इसमें पाया जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी होता है इसका, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी होता है। तो बच्चों देखो ये स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ वाटर है, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ वाटर की बात करें, ठीक है, ये सारी की सारी अपन ने क्या डिस्कस की है, बच्चों ये क्वालिटीज ऑफ वाटर की बात करी मैंने यहाँ पर, ये क्वालिटीज ऑफ वाटर की बात करिए, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया है, क्वालिटीज ऑफ वाटर की बात की, देखो बच्चों,
देखो मैंने क्या किया है, चैप्टर जो 5 स्टार्ट किया था अपना, जो चैप्टर 5 स्टार्ट किया उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भारतीय जो पुराण्स है, पुराण्स मतलब माइथोलॉजी, इंडियन जो माइथोलॉजी है उसमें क्या क्या है, वन ऑफ द 5 फंडामेंटल ऑफ द वाटर जो है, वन ऑफ द 5 फंडामेंटल में से एक है, ठीक है, वन ऑफ द 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स है उनमें से एक है, और पंच महाभूत मैंने बता दी कौन कौन से हैं, है ना, उन पंच महाभूतों में से पानी एक है, ठीक है, पहली बात। और पानी क्या है, सेल का मेजर कॉन्स्टिट्यूट है या कंपोनेंट्स है, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल, क्यों, बिकॉज दिस इज बाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये भी अभी हम बात करेंगे। और सेल का मेजर जो कंपोनेंट्स है, सेल का मेजर कंपोनेंट्स है ये सेल का, कौन, वाटर। तो इसके लिए क्या होता है, इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी भी होती है, यूनिक कंपाउंड है। यूनिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो असाधारण यौगिक जिसको अपन बोल सकते हैं, ये यूनिक कंपाउंड है। इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक क्वालिटी भी होती है। स्पेसिफिक क्वालिटी कौन कौन सी है बच्चों, देखो मैंने बताया इसकी पोलर एक्टिविटी भी शो करता है ये न्यूट्रल भी होता है, पीएच से साथ होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाया जाता है, हाई कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स पाया जाता है, मैंने यहाँ से मिटा दिया था, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हाई डेंसिटी होती है, मतलब इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, है ना, एट द लिमिट रेंज ऑफ द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की लिमिट रेंज होती है उस पर क्या होती है, तीनों ही अवस्था में ये पाया जाता है। इसके बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी होता है। तो बच्चों ये जो अपन ने बातें करी है, मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में चालू किया था इसका, कि प्लांट वाटर रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले वाटर की बात की, पानी क्या है, पानी के बारे में क्या है, तो पानी ये है पंच महाभूतों में से एक है, और इसके ये गुण होते हैं, इसके पानी के क्या होते हैं, ये क्वालिटीज होती है इसके अंदर, ठीक है ना, ये क्वालिटीज होती है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, क्लियर होता है, क्लियर होता है, टेस्टलेस होता है ना, जैसे अपन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो ये क्लियर होता है, टेस्टलेस होता है, लेकिन अपने बुक में नहीं दे रखा, तो अपन जो बुक के हिसाब से मैं लाइन टू लाइन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया बच्चों अपन की, अब इसमें आगे की जो लाइन आती है वहाँ से अपन बता दूंगा आपको क्या होगा इसमें। अब देखो बच्चों इसमें एक लाइन आती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो ये लाइन आपने कहीं पढ़ी होगी, ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लाइन आपने जरूर कहीं ना कहीं बायोलॉजी में हो तो कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, और है ना, कहीं ना कहीं आपके सामने जरूर आई है। तो मैं वापस दिख रहा, आपको साफ दिख रहा होगा, है ना, मैं वापस बोल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, तो ये डिफरेंस। अब इसमें क्या होता है कि जो जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है, सेल की जो जितनी भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो किस में होती है, प्रोटोप्लाज्म में होती है ना, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल हेल्ड इन द एग्जिस्ट इन द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, किस में होती है, सेल की जो भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो किस में होती है, प्रोटोप्लाज्म में होती है, चाहे अपन किसी, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं या कोई एंजाइम सिंथेसिस की बात करते हैं, तो जो भी होता है वो किस में होता है, जो भी डिग्रेडेशन या सब्स्टिट्यूशन जिस प्रकार का जो होता है वो क्रिया कहाँ पे होती रहती है, एक्टिविटीज एग्जिस्ट इन टू द या हेल्ड इन द प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो जितनी भी क्रियाएं होती है, अपने शरीर की इकाई है सेल, यूनिट है, है ना, यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और जो भी इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो किसके अंदर होती है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो अपन को क्या होता है, सेल की स्टडी करने के लिए जरूर होता है कि अपन स्टडी करें, किसकी स्टडी करें, प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करें, ठीक है, सेल की स्टडी के लिए क्या अपन का जरूरत है, किसकी स्टडी की जरूरत है, प्रोटोप्लाज्म की स्टडी की जरूरत है, और प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो एक्टिविटी होती है जिसको फिजियो केमिकल, जो भी इसके अंदर जो फिजियो केमिकल, जो भी फिजियो केमिकल जो है ना, जो फिजियो केमिकल दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ पर, लाइट फट रही है, तो
एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज कौन सी होती है जिसके अंदर फिजियो केमिकल एक्टिविटीज होती है ना। तो फिजियो केमिकल एक्टिविटीज को अपन स्टडी कर लेते हैं, या जो प्रोसेस होती है फिजियो केमिकल जो प्रोसेस होती है उनको अपन स्टडी करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बताया बच्चों, इस लाइन का मतलब क्या है आप तो ध्यान देना। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सेल है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सेल के अंदर क्या होती है, सेल के अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइप प्रोसेस होती रहती है। सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप प्रोसेस किसके अंदर होती है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। और प्रोटोप्लाज्म की बात करें, यदि वो आपको बोल दे कि भाई सेल की स्टडी करनी है, प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करनी है, तो प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करने के लिए अपन क्या जरूरत है, उसके अंदर जो क्रियाएं हो रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हो रही है, एक्टिविटीज का मतलब फिजियोकेमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर, या फिजियोकेमिकल जो प्रोसेस हो रही है उनका अपन को स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा ये क्रिया इसमें होती है, ठीक है। ये एक जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो काम करता है। अब देखो बच्चों, इस क्रियाओं के ऊपर जो बात करें तो क्रियाएं कौन कौन सी होगी, देखो जो क्रियाएं जो एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी होगी, या जो प्रोसेस है इसके अंदर जो होती है वो कौन कौन सी होती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। पहला कौन सा होता है, डिफ्यूजन होता है इसके अंदर, डिफ्यूजन की स्टडी करेंगे अपन, डिफ्यूजन। दूसरी अपन बात करेंगे परमेबिलिटी की, परमेबिलिटी की बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे ऑस्मोसिस की बात करेंगे, ऑस्मोसिस भी इसी के थ्रू होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस की बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे किसकी, प्लाज्मोलाइसिस की बात करेंगे, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस के बाद जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे ना, प्लाज्मोलाइसिस के जो अपन बाद में बात करें तो प्लाज्मोलाइसिस के बाद जो बात करें इंक्यूबेशन की बात करेंगे, जो अंतर शोषण होते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर करें और ये जो प्रोसेस, ये एक्टिविटी कहाँ होती है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। यदि अपन को प्रोटोप्लाज्म में स्टडी करना होता है, वी नीड टू स्टडी अबाउट ऑल द प्रोसेस हेल्ड इन द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये एग्जिस्ट इन द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन चैप्टर के अंदर जो अपना प्लांट वाटर रिलेशन है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे डिफ्यूजन पढ़ेंगे, परमेबिलिटी पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ेंगे और इम्बिबिशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें वन बाय वन इस चैप्टर के अंदर अपन को कवर करनी है। अब बच्चों, अब चालू करते हैं अपन किससे, सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफ्यूजन की, ठीक है। आपको डिफ्यूजन की, तो बच्चों डिफ्यूजन को समझने के लिए क्या है, डिफ्यूजन को समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले एक दो एग्जांपल अपने लेते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन को समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने का मतलब क्या है कि सबसे पहले देखो, एक ये बोतल बनाता हूं मैं, ये कैप है, एक बोतल है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अमोनिया भरा हुआ है, NH3 भरा हुआ है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन भरा हुआ है अमोनिया का, कंसंट्रेट सॉल्यूशन अमोनिया का इसमें भरा हुआ है, ठीक है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन इसमें अमोनिया का भरा हुआ है। अब बच्चों देखो कि जब इसका ढक्कन अपन खोलते हैं, इसका ढक्कन खोलेंगे तो क्या होगा, जो स्मेल होगी इसकी स्प्रेड आउट थ्रू आउट द रूम, या जो लेबोरेटरी होगी ना, इसकी स्मेल होगी, स्मेल स्प्रेड थ्रू आउट रूम, ठीक है।
पूरी की पूरी स्मेल कहाँ फैल जाएगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी या लैब के अंदर फैल जाएगी। इसको बोतल को ढक्कन को खोलते ही अपन को जिस उस कोने में खोला है तो अपन को यहाँ तक गंद आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल जैसे अपन को जरूरी नहीं अमोनिया से लेके, अमोनिया का आपका बुक में दिया हुआ इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आप कोई सा भी सेंट होता है उसमें वहाँ पर स्प्रे किया, उस कॉर्नर में स्प्रे किया, स्मेल यहाँ तक आ जाती है ना, तो वो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। लेकिन जो अमोनिया है इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो अमोनिया की बोतल जो अपन लेबोरेटरी में खोलते हैं या अपन कहीं रूम में खोलते हैं तो क्या होता है, ये टोटली स्प्रेड आउट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, दूसरा एग्जांपल है इसमें कि एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, एक बीकर लिया, देखो बच्चों ये बीकर लिया है और बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है। बीकर के अंदर क्या हुआ, जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब बीकर के अंदर अपन ने क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल देंगे। ये थोड़ा दिख रहा होगा आपको, हाँ कॉपर सल्फेट के ये क्रिस्टल डाल दिए, हालांकि ब्लू होता है लेकिन मैं तो ग्रीन कलर से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिए तो क्या हो जाएगा, वाटर जो टोटली वाटर बिकम ब्लू, टोटली वाटर बिकम ब्लू, जो पूरा वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा वाटर होगा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो वाटर होगा किस प्रकार से हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। पूरा का पूरा जो वाटर है वो किस प्रकार से हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो बच्चों देखो इसमें क्या, दोनों से क्या ये चीज एक्सप्लेन हो रही है, तो इसमें यह एक्सप्लेन हो रही है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और मूव करके क्या होते हैं, जो इनके पास सराउंडिंग जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। ईच मॉलिक्यूल हैव द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्रत्येक मॉलिक्यूल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, वो जो सराउंडिंग एरिया है उसको मूव करके उसको ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब उसको ग्रहण कर लेते हैं, उससे क्या होता है, उसका स्प्रेडिंग हो जाती है उस पार्टिकल। तो ये क्यों होता है बच्चों, यहाँ से एक निकल के एक परिभाषा निकल के आती है, जो डिफ्यूजन की परिभाषा है वो अपन डिस्कस करते हैं ना। तो देखो डिफ्यूजन की परिभाषा मैं लिखने जा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टांसेस मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन, देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्यूजन। मीन्स क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस मॉलिक्यूल्स हो, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की मूव का मतलब क्या होगा, देखो बच्चों इधर क्या है, कंसंट्रेशन किसी सबस्टांसेस की, मान लो ये सबस्टांसेस की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, इधर सबस्टांस कंसंट्रेशन कम है, तो क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन, ठीक है। फ्रॉम द देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव फ्रॉम, ठीक है, मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। बिल्कुल इजी ही डेफिनेशन है। तो इसके एग्जाम्पल होंगे बच्चों, जो कल मैं आपको एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताऊँ, आज की कक्षा में इतना बहुत है, कल की कक्षा में आगे अपन पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।